बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंची विधवा महिला सुषमा ने भूमाफियाओं द्वारा कृषि जमीन पर कब्जे का आरोप लगाते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा। बड़ौत तहसील के बरनावा गांव निवासी विधवा महिला सुषमा ने कहा कि उसका चक संख्या 400 स्थित पर है। आरोप है कि फर्जी बैनामा उसके ही ग्राम निवासी राजपाला ने भूमाफिया नरेश के नाम कर दिया है, जिसका नामांतरण भी राजस्व अभिलेखों में अभी नहीं हुआ। बता दें, सुषमा ने डीएम को ज्ञापन देने से पहले लिखित रूप से कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह की चेतावनी दी थी, जिससे अधिकारियों में हड़कंप किया था। लेकिन डीएम राजकमल यादव ने अपनी सूझबूझ से समझाया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। नितिन, आज कलेक्टर डीएम साहब से मिलना है, क्या वार्ता हुई है? कैसे जी, मेरे जमीन का मैं तो फर्जी आज इस जमीन की कमाई कराना चाहते थे। बामरोली का नरेश है, भूमाफिया नरेश बदमाश चोर डकैत, और डीएम साहब ने बोला है कि आपको 24 तारीख तक का समय दिया जाता है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, कमाई की ना ही कोई कंपनी की। और इसमें हमने फिर आत्मदाह के लिए भी बोला था, कोई भी अधिकारी बोला तो हम उसमें आत्मदाह करेंगे। चार बहन है मेरी, केला में हूँ, मेरे पिताजी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन जमीन के मैटर में 32 साल से जमीन का मुकदमा चलता आ रहा है हमारा। और ये रजिस्टर्ड मेरे पिताजी के गौरनामा है, रजिस्टर्ड वसीयतनामा, सब रजिस्टर्ड कागज है, ये सब दबंगाई में नरेश जो है बामरोली का दबंगाई में अपनी उस पर करा है। अब तक कहाँ कहाँ आपने शिकायत की? सारी हमें हमने मुख्यमंत्री के यहाँ भी और कई जगह पोर्टल पर डाल रखी है, अभी तक हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पाई, कोई नहीं सुन रहा, सब लताड़ रहे हैं। जो आश्वासन दिया डीएम साहब ने, उससे आप जो है संतुष्ट हो? हम संतुष्ट है, 24 तारीख लोग आश्वासन दिया है कि इस बीच में आपका कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, आपके खिलाफ ना कोई पैमाइश होगी ना कोई कब्जा जाएगा किसी भी।